नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल को किस तरह से उपयोग किया जाए जिससे कि वह हमारे शरीर को हानि ना पहुंचा सके। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पहला हैंडहेल्ड पोर्टेबल सेलफोन कॉल 3 अप्रैल 1913 में मार्टिन कूपर ने बेल लैब के अपने प्रतिद्वंदी को किया था। 2007 में पहला स्मार्टफोन एप्पल आईफोन था। पहले स्मार्टफोन को साइमन कहा गया था। उस समय यह कुछ ही लोगों के पास हुआ करता था, लेकिन मोबाइल फोन आज के हमारे जीवन का मुख्य अंग बन गया है क्योंकि हमारे बहुत से उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे वॉइस कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो गेम्स, फोटोग्राफी, जीपीएस इत्यादि। स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए तो यह एक वरदान बन गया है। उनके प्रोजेक्ट्स के लिए या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें मोबाइल में स्थित विभिन्न ऐप से मिल जाता है। पर इसे उपयोग करते समय हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम अपने और अपने बच्चों को इसके दुष्परिणामों से बचा सके। लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन के निकलने वाले रेडिएशन से चिंतित रहते हैं। इसका ज़्यादा उपयोग अनिद्रा, सिर दर्द और कन्फ्यूजन का कारण बन सकता है, तो जब बहुत ज़रूरी हो तभी उपयोग करें। सोते समय मोबाइल को अपने सर के पास रखने से बचें। जहाँ सिग्नल वीक हो वहाँ मोबाइल में बात ना करें। और यह ध्यान रखें कि आपके मोबाइल का SAR कम से कम हो। SAR का मतलब है रेडियो वेव्स का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, जिसकी सीमा मोबाइल उपकरणों के लिए 1.6 वाट पर kg है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा तय किया जाता है। आप अपने मोबाइल का SAR अभी के अभी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में *#07# डायल करना है। वहाँ आपके अपने मोबाइल के रेडिएशन लेवल का जानकारी दिखाया जाएगा। यदि यह 1.6 वाट पर kg से कम है तो यह फ़ोन आपके लिए सुरक्षित है। साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट रॉजर कॉगहिल के अनुसार मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल फ़ोन में टॉयलेट हैंडल के मुकाबले 18% ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। मोबाइल को अजीब स्थिति में रख कर बात करते हुए गर्दन को झुकाते हैं तो गर्दन में दर्द हो सकता है, इसीलिए ब्लूटूथ या हेडफोन का उपयोग करें। चलते फिरते और गाड़ी चलाते समय बात ना करें, इससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। साइंटिस्ट्स के अनुसार स्मार्टफोन से निकलने वाला ब्लू लाइट आँखों में दर्द और कॉर्निया को नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे शरीर के मेलाटोनिन को भी कम कर देता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपके स्लीप वेक साइकिल यानी नींद या जागने का चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन की कमी से व्यक्ति के लिए सोना मुश्किल हो जाता है। स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से अंगूठे में सूजन और दर्द हो सकता है, जिसे थंब आर्थराइटिस कहते हैं। यदि आप इस स्थिति से जूझ रहे हो तो अपने अंगूठे को आराम दें और टेक्स्टिंग कम करें। अत्यधिक स्मार्टफोन के उपयोग से हम वर्चुअल कनेक्शन तो बना रहे हैं, पर हम अपने ही लोगों के बीच, परिवार के बीच निकटता और विश्वास खो रहे हैं। इसीलिए यह ध्यान रखें कि आप अपने ग्रुप में हो, किसी के साथ बात कर रहे हो तो फ़ोन को बंद रखें और बातचीत पर ध्यान दें। अंत में बस यही कहना चाहेंगे, प्रत्येक तकनीक या उपकरण वो दोधारी तलवार है। स्मार्टफोन के कई फायदे हैं, यह हमारे और बच्चों के लिए भी एक सीखने का साधन है, तो इसके उपयोग को नहीं छोड़ सकते। लेकिन चीज़ों को संयम में रखना और मोबाइल उपयोग के समय को प्रतिबंधित करना हमारी भलाई को सुनिश्चित करेगा और यह बच्चों में अच्छे व्यवहार संबंधी आदतों की गणना करने में सहायक होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।